हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन की गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो जो आपको ड्रेस बताने जा रहे हैं, ये वूल मैंने सॉफ्ट वाली ली है। आप इसे कोई भी वूल लेके आप प्यारी सी ड्रेस रिपब्लिक के लिए आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन, ऑरेंज और वाइट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाने वाली हूँ, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल सी रिपब्लिक के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको चोली बताएंगे यहाँ पे। तो चोली के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले कैप वाली आपको चोली बताएंगे, और मैं जो ये ड्रेस बताने जा रही हूँ वो 4 नंबर गोपाल जी के लिए बता रही हूँ। 4 से 5 नंबर को भी ये आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 4 नंबर के लिए इस तरह से फंदे डालेंगे। ये देखिए, जो मैं 4 के लिए बना रही हूँ वो 5 को भी आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से हम फंदा डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 30 और 6 फंदे ले लेंगे, 36 फंदे, जिसमें हम साथ में ही आपको कैप भी बनाना बताएंगे। ये देखिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही हम अपना यहाँ पे 36 फंदा डाल लेते हैं। इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना फंदा डाल लिया है। 36 फंदा मैंने डाल लिया है 4 नंबर गोपाल जी के लिए, और इनको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इस धागे को ऐसे दबा लेंगे। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये देखिए, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, तो जो हमने धागा डाल के यहाँ पे पहली सिलाई को बना रहे हैं, और दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये मैं आपको चोली बता रही हूँ, और साथ में ही आपको कैप भी बनाना बताएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी दोनों साइड से सिलाइयाँ बना लेते हैं, उल्टी उल्टी। बहुत सिंपल सी और इजी सी चोली आपको बनाना बताएंगे। घेरा इसका आपको बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको चोली बता रही हूँ बनाना। तो देखिए, यहाँ पे पहली सिलाई मैंने बना ली। अब उल्टी तरफ से भी हम इसी सिलाई को बनाएंगे, दूसरी सिलाई यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए मैं इसको बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दोनों साइड की 3 सिलाइयाँ ऑरेंज कलर से हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको 2 सिलाइयाँ यहाँ पे दिख रही होंगी, इसको हम कट कर देंगे बाद में। ये देखिए, आपको 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं, तो यानी कि दोनों तरफ की 3 सिलाइयाँ। तो यहाँ पे हम अपना व्हाइट कलर लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, चौथी सिलाई पे। तो 3 3 सिलाइयाँ तीनों कलर से हम वैसे ही बना लेते हैं। इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे, दोनों साइड से हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखिए, इसको दबा लेते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं तीनों कलर लगाते हुए। 3 3 सिलाइयाँ हम
दोनों में दोनों साइड की बना करके इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पे हम वाइट की बना रहे हैं, तो आइए कर लेती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना लंबा इसको कर लिया है। तीन तीन सलाइयाँ यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की दोनों साइड की तीन सलाइयाँ ये बनाई हैं, और वाइट की तीन सलाइयाँ बनाई हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पे मैंने ग्रीन की चार सलाइयाँ बना दी हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 सलाइयाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फंदा घटाएंगे। ये देखिए किस तरह से 10-11वीं सिलाई पे, ये देखिए एक वापस सिलाई में डाला, दो वापस सिलाई में डाला, तीन, एक ये चार, और ये पाँच, और ये छः, ये सात, और ये आठ, और ये नौ, और ये 10, और यहाँ पे 11 फंदे मैंने घटा दिए। आगे के फंदे हम कैप वाले, इन्हें हम ऐसे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14, इधर के फंदे काउंटिंग कर लेते हैं, दो चार छ आठ 10 और ये 11। तो यहाँ पे इस तरफ भी हम 14 फंदे बना लिए हैं, 11 फंदे इधर घटाएंगे। ये देखिए एक डाला सिलाई में, दो वापस सिलाई में डाल के, तीन चार पाँच, और ये छः सात आठ नौ, और ये 10, और लास्ट वाले में हम यहाँ पे अपनी धागे को कट करते हुए नोट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपना इसमें वाइट कलर लगाते हुए, तीनों कलर नहीं लगाएंगे, पूरा वाइट से ही बनाएंगे कैप को। तो यहाँ पे हम ये देखिए सभी फंदों में अपना वाइट कलर लगा देते हैं। इसके बाद मैं जितनी सिलाइयाँ मैंने नीचे बनाई हैं 10 सिलाइयाँ, वैसे ही यहाँ पे भी अपनी 10 सिलाइयाँ टोटल बना लूँगी। तो आइए इसको हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चार छः छः सिलाइयाँ मैंने अपनी बना ली हैं, और 11वीं सिलाई पे, यानी कि हमारी पूरी टोटल यहाँ पे 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब हम 11वीं सिलाई पे अपना फंदे को घटा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे कैप के साथ बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी चोली बनके कंप्लीट है। तो यहाँ पे सभी फंदों को बंद कर लेते हैं, लास्ट वाले फंदे में अपनी नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ये देखिए, तो यहाँ पे चोली हमारी अच्छे से बनके कंप्लीट है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सिलाई करेंगे। ये देखिए, और अच्छे से इसका, तो भाई सिलाई मैं आपको बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके साथ का आपको घेरा बता देते हैं।
तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पे 20 फंदा ले लिया है। चार नंबर गोपाल जी के लिए मैंने 20 फंदा ले लिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टी उल्टी सिलाई दोनों साइड की हम यहाँ पे भी अपनी तीन सिलाइयाँ बना लेंगे। ये देखिए पहली सिलाई को बना रहे, फिर उल्टी तरफ से भी बना लेंगे, तो तीन सिलाइयाँ यहाँ पे टोटल। ये देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो चलिए मैं तीन सिलाइयाँ यहाँ पे अपनी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी तीन सिलाइयाँ बना ली हैं, जिसमें मैंने फंदे डाले हुए हैं उसको भी मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे फंदे डाल के एक सिलाई हो गई और हमारी ये दूसरी सिलाई हो गई, और इधर से भी हम बुन लिए हैं तो तीन सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ से हमारा एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। ये देखिए पहला फंदा बनाया, यहाँ पे तीन सिलाइयाँ दोनों साइड की बना ली हैं, पहला फंदा बना लिया। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ है, नेट बनाएंगे। पहली नेट बना ली, धागा अपनी तरफ, दूसरी यहाँ पे धागा अपनी तरफ, तीसरी धागा अपनी तरफ, चौथी नेट और धागा अपनी तरफ, पांचवी नेट धागा अपनी तरफ, छठी नेट धागा अपनी तरफ, सातवीं नेट। तो यहाँ पे मैंने सात फंदों में अपनी नेट बना ली है। बाकी के लास्ट वाले फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और हम इन्हें उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे दो फंदे हो चुके हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट, ये पहला फंदा 15। 15 फंदे हो चुके हैं। हम यहाँ पे सात फंदों पे ही अपनी नेट यानी कि जाली बना ली है। अब कोई जाली नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए 15 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट वाला 15। तो देखिए यहाँ पे जाली डालने के बाद 15 फंदों को बना लिया है सीधा सीधा, उल्टी तरफ से भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये देखिए अभी एक सिलाई और बनाएंगे इसी तरह से। फिर से एक बार हम सीधे सीधे 15 फंदों को ही फिर से सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से मैं अपने 15 फंदों को ही फिर से दोबारा से सीधा सीधा बना रही हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 और यहीं से सिलाई को पलट गए हैं। अब यहाँ पे टोटल हमारी दोनों साइड की पांच सिलाइयाँ हमने अपनी बना ली हैं। पांच सिलाइयाँ हम टोटल अपनी बना रहे हैं। पांच सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये देखिए उल्टी सिलाई भी बना ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने नेट डाल के फंदा बढ़ाया है वो अपना घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से ऐसे यहाँ पे ये चौड़ा हिस्सा हो जाएगा, इस तरह से ये चौड़ा हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे पहले फंदे को बना लेते हैं, ये देखिए ऐसे। अब सात फंदों में हम दो का एक करेंगे, तो वो कैसे करना है, ये देखिए दो फंदे एक साथ लिए, दो का एक बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए 7।
जो सात फंदों में मैंने अपनी नेट बनाई थी, तो यहाँ पे हमने सात फंदे अपने घटा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो गैप के लिए आप ऐसे फंदा उठा लें। अगर आपका गैप नहीं आता है तो आप वैसे ही आगे के फंदे भी उल्टा उल्टा ऐसे बना लेंगे। देखिए सात हमारे नहीं तो कोई बड़े हैं और नहीं कोई घटे हैं, बराबर फंदे हो चुके हैं। फिर से जो सात फंदा बढ़ाया था नेट डाल के, वो मैंने घटा दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हम चौड़ी पट्टी करके बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहीं से हम अपना इसमें वाइट कलर ऐड कर देंगे। वाइट कलर हमने ऐड कर दिया है और उल्टी तरफ से वाइट कलर को ऐड करने के बाद यहाँ पे उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। इसको साथ में ही दबा लेंगे इस तरह से। तो आइए मैं ये उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ। तो वाइट कलर मैंने लगा दिया है, आगे हैं हम सीधी सिलाई पे। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी कि तीन सिलाइयाँ हम फिर से बनाएंगे ऐसे ही, जैसे हमने अपनी शुरुआत में तीन सिलाइयाँ बनाई थी। तो देखिए उल्टी तरफ से लगा दिया, अब सीधी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बना रहे हैं और उल्टी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। और फिर से मेरा डिजाइन यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए इतना काम करते हैं, ये बहुत सिंपल सी है, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसका आपको घेरा बता रहे हैं, अब ये उल्टी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फिर से मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ, यहाँ पे तीन सिलाइयाँ फिर से हो चुकी हैं। उल्टी सिलाई पे वाइट को लगाया था, सीधी सिलाई को बना लिया और उल्टी तरफ से भी, तो तीन सिलाइयाँ फिर से हो गई हैं। अब ये देखिए फिर से मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये देखिए पहले फंदे को बना लिया उल्टा, उसके बाद हम सात फंदों पर अपनी नेट बनाएंगे, एक दो इस तरह से, तीन धागा अपनी तरफ, चार धागा ऐसे अपने आप घुमा देना है, पांच और ये छह और ये सात, ये देखिए। तो यहाँ पे हम पांच सिलाइयाँ अपनी हर उसमें बनाएंगे, यहीं से नेट डाल के सात फंदों में यहीं से वापस हो गए हैं और उल्टी सिलाई को बना रहे हैं। अब इसके बाद हम 15 फंदे हो जाते हैं हमारे पास, तो 15 फंदों को दो बार सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद फिर सात फंदों को दो का एक करेंगे, इस तरह से ही हमने बनाना है। अब यहाँ पे हम दो सिलाइयाँ सीधी सीधी 15 फंदों को ही बनाएंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हम इसका बनाते हुए घेरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अब इसके बाद हम अपना ऑरेंज लगाएंगे इसमें और ऐसे ही इनको हम बनाते हुए थोड़ा सा लंबा करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाएंगे, ये देखिए 15 फंदों को सीधा सीधा बना रहे हैं, फिर दूसरी सिलाई भी सीधा सीधा बना लेंगे। उसके बाद दो सिलाइयाँ बनाने के बाद हम अपनी ये देखिए यहाँ पे पहली सिलाई बनाई, नेट डाल दी, दो सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे ऐसे ही, यानी कि पांच सिलाइयाँ हम टोटल अपनी बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है गाइज, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं इसको बनाते हुए लंबा कर लेती हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाएंगे। फिर से मैं अपनी एक और सिलाई सीधा सीधा बना लेती हूँ, 15 फंदे को फिर से बनाऊंगी, उसके बाद इन सात फंदों को दो का एक करेंगे जैसे यहाँ पे किया है। तो इस तरह से ये हमारा चौड़ा हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे दो दो सिलाइयाँ आती जाएंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना घेरा बना के रेडी कर लिया है सभी। इस तरह से हमने ये देखिए इस तरह से इसका थोड़ा सा लुक आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए मैं आपको गिन के बता दूँ, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ मैंने अपनी वाइट की पट्टी आ गई हैं और आठ ही हमारी ग्रीन की आई हैं और आठ ही हमारी ऑरेंज की आई हैं।
इस तरह से हमने बना के पूरा आपको ये वाली पट्टी बना के गिन के बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी जो चौड़ी पट्टी है हमारी, और हमने बना के यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसमें बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। अभी हम जब डोरी डालेंगे ना तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी यहाँ पे पोशाक बन जाएगी ये तिरंगे वाली, तो बहुत सुंदर सी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदों को अपना ये देखिए दो का एक करते हुए बंद करूँगी। 20 फंदों से मैंने घेरे को बनाया है, तो आइए सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ, उसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हमारा घेरा बन चुका है। इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी ये ऊपर को इस तरह से ये चीज़ें उठी उठी सी रहेंगी, और यहाँ पे जब डोरी डल जाएगी तो हमारी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी पोशाक बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर की डोरी अपनी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डोरी लगा लूँगी, तो डोरी हमने कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से डोरी को बनाएं। ये देखिए ऐसे नॉट लगाएंगे, ये देखिए, और एक बार और ऐसे ही नॉट लगाएंगे। बाकी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, थोड़ी सी शुरू में दिक्कत सी हो जाती है, बाकी अपना अच्छे से यहाँ पे ये डोरी बन जाती है इस तरह से। ये देखिए नॉट लगा ली है। अब ऐसे ही खींचते हुए हम अपनी लंबी सी एक डोरी बना के कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हमने चोली में भी लगाना ही है यहाँ पे एक तरफ, और इसको इसी धागे से यहाँ पे कैप को यहाँ पे देखिए सिलेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ड्रेस बनके रेडी है। देखिए मैंने डोरी डाल दी है और यहाँ पे कैप की सिलाई कर ली है, और यहाँ पे भी डोरी लगा दी है। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से इसको हमने बना लिया है। और यहाँ पे आप इसे ब्लू कलर के मोती लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पहनाना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी चोली भी यहाँ पे 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनके रेडी हो चुकी है। और देखिए बहुत ही प्यारा सा घेरे का लुक आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर को ऊपर की तरफ को इस तरह से हो रहा है। पहनने के बाद ये एकदम से ऐसे इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत ही प्यारी सी फिट आएगी एकदम लड्डू गोपाल जी को। 4 नंबर और 5 नंबर को भी आप इसे आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए चोली बहुत सुंदर सी, और ये इस तरह की जो चोली होती है वो बहुत ही फिट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है पहनाने में भी बड़े आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कैप के साथ बनके ड्रेस बहुत ही प्यारी सी बनके कंप्लीट है। ये देखिए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी हमारी गोपाल जी की पोशाक आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।